आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो जैसे कि अगर कोई मैसेज आता है आपके फ़ोन में तो कुछ इस तरीके का ये नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में शो नहीं हो रहा है या फिर मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो फिर इसे ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे आप इसके लिए अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आकर यहाँ पर आएगा ऐप्स, ऐप्स पर आप क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा मैनेज ऐप्स, तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए। ये मैनेज ऐप्स आपके फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप मैनेजर नाम से हो सकता है। तो इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे आकर यहाँ पर व्हाट्सएप आएगा, तो कुछ इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करने पर व्हाट्सएप आएगा, देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे आकर यहाँ पर आएगा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन। अगर आपका ये सामने यहाँ से ये चालू नहीं है तो इसे चालू करिए। इसे चालू करने के बाद नीचे यहाँ पर आएगा अलाउ नोटिफिकेशन बैजेस फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। तो ये नीचे के ऑप्शन आपको सारे चालू करने हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये सारे ऑप्शन चालू करने के बाद व्हाट्सएप ओपन करिए। ऊपर तीन डॉट आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आकर ऊपर तीन डॉट आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे रीसेट आएगा, इस पर क्लिक करिए। ये करने से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ से अब चेक करिए, व्हाट्सएप मैसेज का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। तो देख सकते हैं अब कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।